जी अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी वार्म वेलकम, और आपको वेलकम वेलकम है सुबह बखैर पाकिस्तान में उज़्मा खान के साथ। जी तो आज कितना हमारा इम्पोर्टेंट डे है वो तो आपको पता है। दिन तो हर दिन इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन कुछ दिन होते हैं ना जिनकी यादें, जिनकी क्या आप कह सकते हैं कि जो अनमिट नकूश है ना, वो आपके छोड़ जाते हैं और वो कदम ऐसे आपके छोड़ के जाते हैं और वो ऐसी हिस्ट्री और लेगेसी बनाकर जाते हैं कि कौमें जो होती हैं उन दिनों के ऊपर फ़ख्र करती हैं और उन दुनिया को आगे लेके चलती हैं और अपना असासा समझ के उनको मनाती हैं, अपने बच्चों को बताती हैं उन हिस्ट्रीज़ को, जिनकी वजह से पाकिस्तान की जो सालमियत है वो बरकरार है, पाकिस्तान अपने कदमों पर खड़ा है। और सबसे खूबसूरत जो हमारा मुल्क पाकिस्तान है, इसके जो मुहाफिज हैं, जो इसके इर्द गिर्द स्पेशली अभी के मुहाफिज, आपकी बातचीत तो हमें हम करते रहते हैं, कभी हम नेगेटिव पार्ट डिस्कस करते हैं, कभी हम पॉजिटिव पार्ट डिस्कस करते हैं, लेकिन जो हिस्ट्री है, जो हमारे शहदा हैं, जो हमारे गाजी हैं, उनका एक किरदार जो है बेमिसाल किरदार, उस किरदार का हम कभी भी उससे मना नहीं कर सकते या उससे आगे नहीं फेर सकते। तो 6 सितंबर जो हमारा दिन है वो बेसिकली उन दिनों में से है, उन मेमरीज में से है जिन मेमोरीज़ को वी चेरिश देम अलॉट। वाई? बिकॉज जो भी आपकी कहते हैं ना, जो खुद मुख्तार कौमें होती हैं वो खुद मुख्तार बनती ऐसे हैं जब आपके कितने सारे लोगों की ना शहदा की एक अनमट मैं कह सकती हूँ कि यादें होती हैं जो वो छोड़ कर जाते हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने मुल्क के ऊपर अपनी जान कुर्बान की होती है। उसके बाद से जो आपके गाजी हैं जी, जो इन इन कहते हैं ना कि इन इंसिडेंट्स को उतना वैसे ही लेके आप तक पहुँचाते हैं, एक तो उनका किरदार होता है लेकिन उससे भी के जो किरदार होता है कि वो उसके वो जो उन्होंने देखा होता है वो आप तक लेकर आते हैं, ताकि आप ये बात याद रखें कि जो अल्लाह ताला देता है ना, ये तो अल्लाह ताला भी फरमाते हैं, हर चीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह कहें, किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड ना लें। ये जो मुल्क पाकिस्तान हमें मिला है, आजकल आपने देखा ही है महंगाई हो गई है, बजट आ गए हैं, IMF ने कर दिया है, तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले अपने मुल्क को गालियाँ? नहीं, ऐसे नहीं करना, क्योंकि जो भी है, जिस तरह भी है, ये हमारा मुल्क है, ये हम तक जिस तरह से पहुँचा है, जो कुर्बानियाँ दे के चाहे 6 सितंबर जो आपकी एक याद है वो एक दिन है, इसके अलावा कितने दिन हैं वो तो हम अगर गिनना शुरू करें तो पता चले कि पाकिस्तान तक पहुंचने के लिए हमने क्या क्या मेहनतें की और सब किया है। तो जो हम कर सकते हैं, जो आपकी मीडिया टीम कर सकती है, जो अपना किरदार इसमें अदा कर सकती है, वो यही किरदार अदा कर सकती है कि आपके लिए इन दिनों को दोबारा इसकी याद ताज़ा की जाए, उन लोगों को बुलाया जाए जिन्होंने इसके अंदर अपनी कितनी सारी मैं कहती हूँ कि वो कुर्बानियाँ दी जिनका हम सोच भी नहीं सकते। जब हम घरों में सुकून से आराम से बैठे होते हैं तो ये रातों के काले अंधेरों में, सर्दियों के जाड़ों के दिनों में, गर्मियों की तपती धूपों में खड़े होकर आप लोगों की हिफाजत कर रहे होते हैं, ताकि आप लोग और हम लोग घरों के अंदर सुकून से सोएं, सुकून से अपनी फैमिलीज़ के साथ वक्त गुजारें, जबकि इनकी फैमिलीज़ इनकी राहें देख रही होती हैं और इनकी फैमिलीज़ इनके लिए इंतज़ार कर रही होती हैं। लेकिन जब ये कितने सारे वाकयात हैं, जब इनकी इंतज़ार करते करते जब इनकी डेड बॉडीज़ घर पे पहुंचती हैं अक्सर की, और जब ये इनकी शहादतें की खबर वो सुनते हैं, तो वो सबसे पहले अल्लाह अकबर ही कहते हैं और कहते हैं कि जो हमारी चीज़ थी, जो अल्लाह की चीज़ थी, अल्लाह ने वापस ले ली और उस पर शुक्र अदा करके आगे चलते हैं। तो ये सारा एक दिन जो है, वैसे तो हर दिन शहीदों का है, हर दिन जो है वो हमारे मुहाफिज़ जिन्होंने अपने लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं उनके लिए है, लेकिन उससे भी बढ़कर जो 1 से 6 सप्ताह और ये दिन हमने रखे हैं, इन दिनों में हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। ये स्पेशल वर्ड, ये स्पेशल प्रोग्राम, ये ट्रांसमिशन्स उनके लिए होती हैं ताकि उनकी फैमिलीज़ को बताया जा सके कि हम उन्हें भूले नहीं हैं, वो हमारे दिलों में भी हैं और वो हमारे लफ्ज़ों में भी हैं। तो इसलिए 6 सितंबर को हम शुरू करते हैं। हमारे जो मेहमान हमारे साथ आए हैं वो उनका ताल्लुक अफवाज पाकिस्तान से है। इसके अलावा जितने भी आप ये साथ ही देख सकते हैं कि जो पिक्चर्स चल रही हैं, जो कि जितनी सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ साथ आ रही है, ये वो सब आपसे शेयर करेंगे। हम तो आपको सिर्फ तस्वीरें दिखा सकते हैं, लेकिन वो तस्वीरों के सब रुख आपको दिखाएंगे क्योंकि ऑन ग्राउंड रह के उन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले अपने जो गेस्ट हैं ताहिरुल कादरी साहब, सॉरी हमारे कादरी साहब, कर्नल, रिटायर्ड कर्नल कादरी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये उनका है आप कह सकते हैं इंट्रोडक्शन मेरे लिए, लेकिन आप लोगों के लिए वो खुद अपना इंट्रोडक्शन देंगे और बताएंगे कि उन्होंने किस तरह से जो आपकी जंग थी 67 की, उसमें क्या क्या उनका किरदार रहा, क्या क्या उन्होंने क्या कहा, ये सारी चीज़ें हम उनको दिखाएंगे और ये सारी चीज़ें हम उनसे शेयर करेंगे और वो आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये सारी चीज़ें 67 की जंग के अंदर आई। तो अस्सलाम वालेकुम कादरी साहब, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, thank you so much for inviting me.
जी, यो वेलकम सर। तो प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, हम सुनना चाहते हैं आपके बारे में। मेरा नाम आजम गाजवी है जी। आई वॉज बॉर्न ऑन 23 सितंबर 1949। इसके अलावा फिर मेरी स्कूलिंग फ्लोरेंस कॉलेज घोड़ा गली मरी में हुई, जहाँ से मैंने सीनियर कैम्ब्रिज जी 1966 में किया। 1967 आई ज्वाइन पी एम ए एंड आई पास आउट इन 69। बिफोर ज्वाइनिंग पी एम ए 65 वॉर जब स्टार्ट हुई, क्या हुआ? उस वक़्त मैं सीनियर कैम्ब्रिज में जी जी पढ़ रहा था जी और हम सब में इतना जज्बा हुआ कि काफ़ी अक्सर बच्चे हम लोग फ्रंट लाइन्स पर वॉलंटियर पहुंच गए ताकि अपने मुल्क का दिफा करें। कुछ देर वहाँ लाहौर बॉर्डर पर हम रहे, वहाँ पर फिर कमांडर ने हमें कहा कि आप अपनी तालीम मुकम्मल करें और उसके बाद फिर अकेडमी में आएँ और ताकि फौज ज्वाइन कर सकें जी। जो तासर उस वक्त का था 65 वॉर में, ग्रेट स्पिरिट, पूरा लाहौर जैसे कि जंग में शामिल हो गया। जहाँ जहाँ फौज थी पीछे लॉजिस्टिक्स, खाना पीना, रजाइयाँ, वट एवर वॉज नीडेड, यू नो, वो लोग वहाँ पहुँचाते रहे फॉरवर्ड लाइन्स में। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान आर्मी ऑन 6 सितंबर, अभी 6 सितंबर की क्योंकि बात हो रही है, उस वक्त अपनी लाइन्स में थी और दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग ए वॉर ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर। जी सर, पाकिस्तान बना 1947 में, जिन्होंने बाउंड्री मार की थी उन्होंने कुछ इसको बारीकी में नहीं देखा था, जिसकी वजह से काफ़ी डिस्प्यूटेड एरियाज रह गए थे। और उसमें सबसे पहले जो एरिया जो रह गया था वो रन ऑफ कच्छ में था जी सर, साउथ ऑफ पाकिस्तान आता है। और हमारा जो पहला जो आफ्टर 48 में जब हम लोगों ने कश्मीर को लेने की कोशिश की, क्योंकि कश्मीर वॉज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान एज इट वॉज डिक्लेयर्ड, तो फिर 48 में लश्कर और फौज चली गई कश्मीर में। व्हेन वी आर अबाउट टू टेक श्रीनगर, जी सर, नेहरू की और लियाकत अली खान की बात हुई कि यूनाइटेड नेशन में उन्होंने कहा कि यूएन ने कहा कि इसको पीसफुली रिजॉल्व करें और उसको रेजोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशन उसको फॉलो करें। वहाँ आई थिंक हमारी गलती थी लीडरशिप की, वी शुड नॉट हैव गॉन फॉर सीज फायर बिकॉज वी हैड एन एज ओवर द इंडियंस, और हम उस वक्त कश्मीर उस वक्त ले लेते तो अभी जो आजकल मसले मसाइल हैं ये ना होते। एनीवे, इसी असना में जो पहला हमारा जो तसादम हुआ और कन्फ्रंटेशन हुआ इज द रन ऑफ कच्छ, वेयर द इंडियंस वांटेड टू टेक ओवर द टेरिटरी व्हिच दे थॉट वाज डिस्प्यूटेड टेरिटरी, और एक कंजनपोर्टिक जगह का नाम है, वहाँ पर उन्होंने हमला किया और काफ़ी अंदर तक पाकिस्तान की टेरिटरी जो उस वक्त तक पाकिस्तान की टेरिटरी एक्सेप्टेड थी उसमें आ गई। 8 अप्रैल 65 की बात है जब ये काम शुरू हुआ और इट वेंट ऑन टिल 18 अप्रैल को पाकिस्तानी फोर्सेज ने भी रन ऑफ कच्छ एंटर किया एज ए काउंटर मेजर सॉर्ट ऑफ कुछ टाइम बैक, और इस पे ये लोग कामयाब हुए और काफ़ी हद तक इंडियंस को वापस जिधर से आए थे वापस कर दिया। उस वक्त फिर यूनाइटेड नेशंस की सीज फायर हुई 30 अप्रैल को, उसके बाद फिर मामला रुक गया। मई 1965 में पाकिस्तान आर्मी ने प्लान बनाया कि कश्मीर में हम थोड़ी पेशकदमी करते हैं, उस पर स्टार्ट किया पहला ऑपरेशन हमारा जिब्राल्टर था, जिसमें कि कमांडोज ने जाना था हेल कश्मीर में और वहाँ जाके कार्रवाई करनी थी और वो फजा पैदा करनी थी जिसमें कि ग्राउंड लिंक अप से यानी कि ज़मीनी हमले से मिला के कश्मीर को आज़ाद करवा लें। और जो दूसरा मरहला था उसका नाम था ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, जो कि 1 अगस्त को शुरू हुआ, 6 सितंबर को नहीं, इट वॉज 1 सितंबर। और 1 सितंबर के बाद टिल 6 सितंबर पाकिस्तान फोर्सेज चमजौड़ियाँ सेक्टर में पेशकदमी करती रही कि हत्ता कि हम अखनूर के पुल तक पहुँच गए, जो कि बहुत सा इलाका पाकिस्तान ने आज़ाद करवा दिया था। जब 6 सितंबर में जब ये पहुँचे अखनूर ब्रिज के पास, अखनूर सिटी के पास, तो इंडिया ने लाहौर में और सियालकोट में दोनों जगहों पे एक पर हमला कर दिया विद मेजर फोर्सेज। जैसा आपको मैंने बताया कि पाकिस्तान फौज सिर्फ उस वक्त कश्मीर में लड़ रही थी, इनका कोई इंटरनेशनल बॉर्डर पर रुझान नहीं था
और आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि 25% फौज उस वक्त छुट्टी पर थी और हमारी जो फौज थी बैरकों में थी, बॉर्डर्स ऑक्यूपाई नहीं कर रहे थे, सिर्फ रेंजर्स कुछ ट्रुप्स जो कि अमन के टाइम में होते हैं वो बॉर्डर को डिफेंड कर रहे थे जी। अब इन चीज़ों को मद्देनजर रखा जाए तो आप देखें कि जो जब हमला अचानक हुआ है तो फौज क्योंकि उधर उस वक्त नहीं थी तो कितने दुश्वारियाँ होंगी, कैसे वो आए और कैसे उन्होंने जो इंडियंस की पेशकदमी थी सियालकोट में और लाहौर में उसको उन्होंने कैसे रोका। यही वजह है कि 6 सितंबर को डिफेंस ऑफ पाकिस्तान डे के टर्म अब हुसैन सब में पाकिस्तान पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी और दोनों साइडों से एक दूसरे की तरफ पेशकदमी शुरू होगी, यानी कि पूरी ऑल आउट वॉर शुरू होगी जी सर। इसमें जो है जब हम ज़मीनी एयरफोर्स का बहुत बड़ा रोल था और जो कि मैंने 1 सितंबर जब मैंने बात की चमचौड़ियों में ऑपरेशन हुए थे पाकिस्तान आर्मी पेशकदमी की तो इंडिया की एयरफोर्स आ गई और उन्होंने हमारी पेशकदमी को काफ़ी रुकावट डालने की कोशिश की और इतनी कन्फ्यूजन थी कि उन्होंने अपने टैंकों को और अपनी गन्स को भी शूट करते रहे। पर इस पेशकदमी को खासकर इस फजाई पेशकदमी को रोकने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स एक्शन में आई और वो दिन है 1 सितंबर जबकि सरफराज रफीक की जो मायनाज पाकिस्तान के हीरो हैं वो मिशन लीडर थे और उन्होंने इंडियन एयरफोर्स का मस्मार किया। खुद उन्होंने जहाज गिराए, 2 जहाज शुरू की पहली बैटल में और बाकी के उनके साथ जो साथी थे उन्होंने भी मजीद इंडियन जहाज गिराए। उसके बाद इन्होंने थोड़ी सहूलत कर दी पाकिस्तान फौज के लिए क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की इंटरफेरेंस जितनी हो रही थी उसको उन्होंने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया और मजीद सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान आर्मी की पेशकदमी छमजौड़ियाँ सेक्टर में। नौ ये बात होगी कश्मीर की, नौ कम टू रिमेनिंग सेक्टर्स। उसके बाद आता है जी अगर आप नॉर्थ साउथ आएँ तो सियालकोट सेक्टर आता है। सियालकोट सेक्टर में सबसे पहली जो चीज़ थी हमें नहीं पता था कि वहाँ के उनका फर्स्ट आर्मर डिवीजन जो कि उनका टैंक डिवीजन बख्तर टैंक डिवीजन जो कि उनका सबसे अहम स्ट्राइक वेपन होता है फोर्स होती है उसका हमला सियालकोट पे था। शुरू में हमें पता इसका नहीं था और सोचते रहे कि पता नहीं इन्फेंट्री और थोड़े बहुत टैंक्स आते हैं और जो जगहों में इंडियंस और पाकिस्तान आर्मी का बहुत सख्त टकराव हुआ और इसमें चिविंडा के महाज के ऊपर बहुत सी शहादतें भी हुई और बड़े बड़े हीरोज उसमें से इमर्ज हुए जिसमें से 25 कैवलरी एक रसाले की यूनिट है जिनके कमांडिंग ऑफिसर कल मिसाल थे, बाद में ब्रिगेडियर बने मोहम्मद अहमद साहब थे वो मेजर थे जिन्होंने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिफेंस के दौरान उनके 3 टैंक हिट हुए और चौथे टैंक पे भी जब वो फायर कर रहे थे तो हिट हुआ तो टैंक को आग लग गई और वो उसी जली हालत में एवैक्यूएट हुए। ही वॉज़ ए ग्रेट मैन, वेरी ब्रेव सोल्जर। उसके अलावा बहुत से और ऐसी चीज़ें हैं, इस वक्त कम है वरना मैं इंडिविजुअल हीरोज़ के ऊपर भी बात कर सकता हूँ जिन्होंने वहाँ पर किया जो मैं अपनी किताबों में लिख रहा हूँ उनके बारे में और लिख चुका हूँ। फिर नीचे आ जाते हैं लाहौर में बहुत बड़ा मार्का हुआ जिसमें कि पाकिस्तान एयरफोर्स 6 सितंबर वाले दिन जबकि हमारी फौज बैरिक्स में थी तो पीएफ ने इंडियंस की जो पेशकदमी थी लाहौर के ऊपर जिन पे बड़े अजायम थे कि हम चिपकाना उन्होंने जो इंडियन की पेशकदमी थी उसको उन्होंने मिसमार किया और उनके मुताबिक वो कह रहे थे जब तक कि कोई उनको नज़र नहीं आया कि वो गाड़ी या कोई टैंक चल नहीं रहा है तो वो उस एरिया में अटैक करते रहे, उनको उनका हमला जो है उसको बहुत हद तक उसको रोक दिया था। और उसी दौरान जो आपके पास लाहौर में म्यूजियम में एक जीप खड़ी हुई जनरल निरंजन प्रसाद जो कि जनरल ऑफिसर कमांडिंग थे उस फौज के वो अपनी जीप छोड़ के बैटल फील्ड से भाग गए और जिसका जिक्र इंडियन किताबों में भी किया गया, खासकर एक किताब जनरल हरभक्त सिंह ने लिखी उसमें उन्होंने उसको काफ़ी किट लगाई है उनके बारे में। का फ्रंट है उधर वहाँ पर अजीज राजा अजीज भट्टी शहीद जो कि दिफा कर रहे थे वो शहीद होते हैं। उसके अलावा बहुत बड़ा मार्का लाहौर में जो दूसरी साइड पर था उसमें ब्रिगेडियर शामी शहीद हुए, वो आर्टिलरी कमांडर थे पर क्योंकि आमतौर पर तोपखाने वाले पीछे होते हैं सपोर्ट करते हैं पर वो
आगे की ब्रिगेड कमांडर साहब के साथ आगे बहुत आगे अपना गए हुए थे ताकि वहाँ से फायर कंट्रोल ज़्यादा अच्छा हो जाए और दफा बेहतर हो सके, और इसी इस्लाम में खुद भी शहीद हुए। बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी शहादत थी अजीज़ भट्टी साहब। नीचे चले जाएँ, सुलेमानकी में भी हमने पेशकदमियाँ की हैं, फिर नीचे आ जाते हैं और फर्दर साउथ चले जाएँ, खेमकरन। खेमकरन में भी पाकिस्तान आर्मी काफ़ी कामयाबी, दिफा के अलावा काफ़ी इलाका दुश्मन का कैप्चर किया, और उसमें एक साहब हैं शहीद जिनका नाम साहिबजाद गुल है। आपने आम पर तो सड़कों के नाम देखे होंगे, और आपको पता नहीं होगा साहिबजाद गुल कौन है। वो सिक्स लांसर्स कमांड कर रहे थे टैंक रेजिमेंट जी सर, और उन्होंने पेशकदमी इंडियन टेरिटरी में की, और वो लीड करते हुए फ्रंट से अपने टैंक के साथ दुश्मन के इलाके में वो हिट हुए थे और वहाँ शहादत उनको मिली। तो ये है जी, मोटा मोटा मैं आपको थोड़ा सा प्रीव्यू देना चाह रहा था कि वाई 65 वॉर स्टार्टेड और उसके बाद फिर क्या हुआ जी सर। दिफा हमने कैसे किया 6 सितंबर को, इसलिए डिफेंस डे भी इसको कहते हैं, और उसके अलावा मैंने आपको ब्रीफली बता दिया कहाँ कहाँ ये बैटल्स हमारी हुई जी सर। सर थोड़ा सा बताइएगा कि ये तो वो है कि जहाँ पे हमारे शहदा हैं उन्होंने किस तरह से क्या पार्ट प्ले किया और किन चीज़ों को आगे लेके चले, इनका जो फैमिलीज़ के ऊपर इफ़ेक्ट होता है, जो उस वक्त फैमिलीज़ थी जिन्होंने ये सब किया था वो भी तो एक ट्रॉमेटिक उससे गुजरती हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि वो कभी भी ये रिकवर होती है चीज़। हाँ कि आप स्पेशली जो हमारा जज्बा है, जो हमारा अल्लाह ताला ने हमारे दिलों में डाला है एक शहीद के लिए जो दर्जा दिया हुआ है, उसको देख के बहुत सारे लोग, बहुत फैमिलीज़, बहुत क्या, बहुत ऑलमोस्ट सब लोग ही इस चीज़ के ऊपर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों के ऊपर, फैमिलीज़ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट इसके होते हैं? आपने ज़रूर ये ज़रूर इनकाउंटर तो किया होगा, देखा होगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं जी, अभी मैं 71 वॉर की बात करूंगा कि 71 वॉर में मैं टैंक बैटल में था, और क्योंकि टैंकों में जो शहादतें होती हैं जी उनका कुछ पछता नहीं, क्योंकि टैंक मुझे अच्छी तरह याद है, दो दो तीन दिन आप मानेंगे नहीं, 2 to 3 days टैंक्स पर बर्निंग, उसमें से शोले बाहर निकल रहे थे, उसके अंदर एमिनेशन होता है, पेट्रोल होता है, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स इन दैट। और जब उनकी हम डेड बॉडीज लेने के लिए गए, निकालने के लिए, एक मेरे साथ लेफ्टिनेंट जायद रशीद मिर्जा थे, हिंदी सतालक उनका था, बहुत अच्छे इंसान थे। मुझे याद है कि अपने ड्राइवर को कह रहे थे कि ड्राइवर स्पीड अप स्पीड अप, मुझे लग रहा था उसमें पेट्रोल या ख़त्म हो रहा है या टैंक इतनी अच्छी हालत में नहीं था, फिर भी वो हिम्मत करते रहे, चलते रहे। आपको याद रखना चाहिए कि जी हमारे पास 65 वॉर में असला आमतौर पर ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अमेरिकन का ब्रिटिश का जो बचा खुचा था वो मिला था, और वो जो है 65 की जंग उसके साथ लड़ना वो एक अपनी जगह बहुत बड़ी एक किस्म की मैं कहूँगा पाकिस्तान फौज के लिए बहुत बड़ी वो है तथा है विद दैट काइंड ऑफ इक्विपमेंट वी फॉट इन, सो वाज इट इन 71। तो जो आप बात कर रहे थे जो फैमिलीज पे क्या होता है जी, जब उसकी हम डेड बॉडी भेजना चाह रहे थे उनके घर, तो उसके अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं था दिखाने वाला, और मुझे याद है उसके अंदर हमने कुछ और चीज़ें डाली जिसका वजन पूरा करके ताकि लगे कि उसके अंदर कुछ चीज़ है, और फिर सख्ती से लिखा था कि इनके कफन को खोला ना जाए, और इनकी और वैसे भी शहीद की इस तरह से नमाज जनाजा की उस तरह से ज़रूरत नहीं होती है जिस तरीके से होता है बैटल फील्ड में, कई दफ़ा तो अमानतन दफना देते हैं और बाद में निकाल के फिर दैन प्रॉपर बैरियर दिया जाता है जी सर। फिर उसका जो है अपना, आप इमेजिन करें जिस फैमिली में ये डेड बॉडी जाएगी, जिसको कि वो देखेंगे कि जी हम काफी आखिरी चेहरा देख लें दिनों बिफोर उसको ज़मीन में डाला जाए, तो उनके ऊपर क्या गुजरती होगी। ठीक। उसके अलावा आपको मैं एक चीज़ और बताऊं कि शहदा की फैमिलीज, अभी मैं एक किताब लिखी एयरफोर्स के ऊपर 2013 में सेंट्रल इन द स्काई, उसमें एक बेवा थी जिनके साथ हमारी मुलाकात हुई जब हम दौरान इंटरव्यू, वो शहीद की बेवा और वो 1971 में शहीद हुए थे, और जब हम मिलने के लिए गए उनको तो उन्होंने बताया कि उन्होंने खत इंडियन अथॉरिटीज को इंदिरा गांधी को लिखा था कि मुझे बताएं कि मेरा खावन जो है शहीद है या गाजी है, क्योंकि उनका कुछ पता नहीं चल रहा था, पीएफ में थे, पायलट थे, वहाँ गए थे, जहाज गिर गया, तो वहाँ से उनकी कुछ तस्वीरें आईं जो उन्होंने भेजी, जिसमें पता चला कि इंडिया वालों ने उनको बहुत अच्छा बैरियल दिया था निज़ामुद्दीन औलिया के
जो छोटा कब्रिस्तान है उसकी ज्यारत के साथ, उधर उनको दफनाया था। बाकायदा 2 PF ऑफिसर्स को बुलाया था जो नमाज जनाजे में शामिल हुए थे, कफन के ऊपर झंडा लगाया जी। वो तस्वीरें आ गई उनके पास, और जब मैं मिलने के लिए हम गए उस वक़्त उन्होंने तस्वीरें हमें हैंड ओवर की, और साथ साथ उससे हमें ये पता चला कि इनके साथ कितना स्पेशल ट्रीटमेंट दुश्मन ने दी, जो जिसके लिए हम इंडियंस को सराहते हैं जी सर। जब किताब का लॉन्च हुआ तो जब मैं घर पे मिलने गया था, उस वक्त वो इन चेयर सोफा में बैठी थी, तो उस वक्त मैंने देखा कि वो व्हील चेयर में थी और उनका एक बेटा जो कि मेजर की यूनिफॉर्म में था आर्मी में था, और वो उनको व्हील करके लेके आए और मेरे पास वो चल के आई, और उन्होंने मुझे रोते हुए कहा कि आज आपने मेरे मियाँ को ज़िंदा कर दिया दोबारा। यानी कि इन लोगों को कोई जानता नहीं था, किसी को पता नहीं था ये कौन से लाइक लेफ्टिनेंट मुर्तजा शहीद भी हुए और क्यों शहीद हुए, सारा कुछ किताब में आया। तो होता ये कि जिस तरह ये शहीद की बेवा की मैंने आपको एक मिसाल दी कि जब ये चले जाते हैं, खासकर जब जिनका कुछ पता नहीं होता है कि मिसिंग हैं या शहीद हुए हैं, उनके लिए मसले मसाइल होते हैं। एक और एयरफोर्स की खातून है अशफाक बेगम, अशफाक कुरैशी, उनके मियाँ 71 वॉर में इसी तरह से इंडियन लाइंस अटैक करने गए थे, वापस नहीं आए, और उनको कई साल पता नहीं चला कि वो उनके जो हैं मियाँ शहीद हुए हैं कि कैदी हैं। और वो जो जो ज़िंदगी उन्होंने गुजारी, जिन मशक्क़त से गुजरी और क्या हालात थे उनको मिल के, जब यू मीट फैमिली लाइक दैट, फिर पता चलता है इंसान को कि कुर्बानी क्या होती है और किसी जो फैमिली रह जाती है उनके साथ क्या कुछ होता है जी सर। तो ये तो दो पर्सनल आपको जो मैं मिला हूँ शोदा की फैमिलीज को, उनकी बीवियों को, तो उसके बाद ये कुछ पता चलता है। एंड सो डज इट अफेक्ट द चिल्ड्रन, बच्चों को भी बहुत होता है। जो सबसे बड़ा सबसे जो बड़ी जो अच्छी बात होती है कि इसमें कि उनके डियर वंस दे गो अवे, बट द मेमोरीज आर चेरिश्ड बाय दोज हु आर लेफ्ट बिहाइंड, और उनको उसको दुख तो ज़रूर होता है अपने करीबी घर वालों को लूज करने का, बट दे हैव अ सेंस ऑफ प्राइड कि उन्होंने अपने मुल्क के लिए कुर्बानी दी है, जो कि बहुत अफजल है, जो कि हमारे मज़हब में भी शहीद का रुतबा बहुत ऊँचा होता है। अच्छा, तो दोज आर माई व्यूज, और मैं जो आपसे शेयर करना चाह अच्छा, रहा था शोहदा की फैमिलीज के साथ, मैंने प्रैक्टिकली मिल के जो अच्छा, मैंने खुद महसूस किया है, देखा है जी। सर अभी आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग बातें चल रही हैं, और हमें ऑब्वियसली आपने जो याद ताज़ा करा दी है, जिस तरह से आपने उसको पिक्चर किया है, दैट इज़ सच अ वंडरफुल यू नो मेमोरी टू चेरिश एंड मेमोरी टू नो। सिर्फ अभी सर हम आपसे इजाज़त इसलिए चाहेंगे क्योंकि हमारी न्यूज़ ब्रेक आ रही है और हमें आपको अनफॉर्चुनेटली यहाँ से हमें खुदा हाफिज़ कहना पड़ेगा, बट सर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पर्सनल जर्नी that you have actually gone through that, but thank you very much for sharing the Shohada perspective on this. Thank you very much for sharing you know eyewitness for to the war that we have been proud of till this day. To isliye yahan hum sir Qadri se ijazat lete hain, unse hum ijazat leke hum news break pe jate hain kyunki kuch news hain jo aap tak bhi pahunchani hai. To news break ke baad wapas aayenge ek naye mehman ke sath aur ek naye jo hamare guest hain unka perspective iske upar sunenge. To aapko choti si news break ke baad hum dobara milte hain, stay with us. जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो हम लोगों ने आज इतना खूबसूरत दिन आपके साथ मना रहे हैं, जो हम अपने फ़ौजियों को, उनकी फैमिलीज़ को, उनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, मुझे यकीन है उसमें आप हमारे साथ साथ होंगे। शोहदा एक ऐसी लेगेसी है जो कि हर दुनिया के कोने में आप कह सकते हैं कि उसको इज्जत से देखा जाता है, उसको ये जो हमने खराज तहसीन तो कवर्ड तो यूज़ किया ही, लेकिन उसको दिलों में बिठाया जाता है और उसकी एक कहते हैं ना कि वी आर थैंकफुल फॉर दैट। अभी उसी लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए हमने कर्नल साहब से आपकी बातचीत कराई, उन्होंने आपको वॉर के हालात बताए, शहदा के हालात बताए। इसी तरह हमारे एक और मेहमान हैं जो कि हमारे आर्मी के रिटायर्ड अफसरान में से हैं, उस्मान, वो हमारे यहाँ पे रेगुलर गेस्ट रहते हैं और वो इन चीज़ों के साथ हमारे साथ कहते हैं ना एक्सपीरियंसिस भी शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम वेलकम करते हैं शो पे, वेलकम टू द शो उस्मान। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अभी सबसे पहले आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि सबसे पहले
ये बताएं कि यू नो व्हाट इज़ आर्मी फॉर यू, व्हाट इज़ आर्मी फॉर यू फॉर अ कंट्री, वो क्या करती हैं पाकिस्तान के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे कि पहले सेगमेंट में मैंने देखा कि आपने हिस्ट्री के बारे में बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया सब कुछ, तो मैं थोड़ा सा आज के दौर की जो वे ऑफ लाइफ है मिलिट्री की, और जो जिस तरह की कैंपेन्स और जिस तरह के मिलिट्री ऑपरेशंस में अफवाज मसरूफ़ है जी, उनके ऊपर थोड़ा रोशनी डालूंगा। तो जंग पिछले 50 सालों में काफ़ी बदल चुकी है जी। अब पहले कन्वेंशनल वॉर होती थी, आप बॉर्डर के दूसरी तरफ एक दुश्मन जो आपका है असली दुश्मन, आप उसके साथ अपनी जंग के लिए हिकमत अमली तैयार करते थे और अपना साजो सामान, अपना असलाह, अपना सब कुछ, अपनी मुकम्मल जंग की तैयारी आपकी एक बॉर्डर के पार मौजूद दुश्मन के लिए होती थी। जबकि आज के दौर में जंग का, जिसको हम फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर कहते हैं, वो भी जंग का हिस्सा बन चुकी है जी। और ना सिर्फ हमें बैरूनी दुश्मनों से ख़तरा लाहक है, बल्कि अंदरूनी इंतशार और अंदर हमारी सफ़ों में मौजूद जो दुश्मन हैं उनसे भी लड़ने की ज़रूरत है। अब इस सूरत हाल में आपकी जो डिफेंस लाइंस हैं, जिनके अंदर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, आर्म्ड फोर्सेस ओवरऑल, उनका काम बढ़ जाता है। जैसा कि आपने सवाल किया कि मिलिट्री का या फौज का क्या इम्पेक्ट होता है एक इंसान की ज़िंदगी के ऊपर, तो ये बात याद रखें कि फौज एक तरीका है ज़िंदगी गुजारने का, इट इज़, ये कोई प्रोफेशन नहीं है। जैसे एक बच्चा कॉलेज यूनिवर्सिटी के बाद कहीं किसी शोबे में चला जाता है, बैंकिंग के शोबे में, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, तो वो तो एक ऐसी जॉब है जो कि आप सुबह ऑफिस जाते हैं और शाम को आके आप अपना ऑफिस से आपका ताल्लुक ख़त्म हो जाता है। बट यूनिफॉर्म सर्विस, इवन मैं उसमें रेंजर्स और पुलिस को भी शामिल करूँगा, ये ऐसे प्रोफेशंस हैं जो कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी, ना कि आपकी पर्सनैलिटी बल्कि आपके घर वालों की, आपकी फैमिलीज़ की पर्सनैलिटी, उस पर भी मुकम्मल तौर पर असरअंदाज होती है जी। इसके अंदर जैसे कि अक्सर हमने देखा होगा कि हम लोग कहते हैं, देखते हैं कि जब कोई आपके त्यौहार आते हैं, ईद का मौका हुआ या कोई भी इस तरह का खुशी का मौका हो, तो या इवन किसी भी तरह की कोई फैमिली के अंदर आपकी कोई इवेंचुअलिटी हो, तो आपने देखा होगा कि जो लोग इस तरह की जॉब्स के अंदर मसरूफ़ अमल होते हैं वो अपने घर तक नहीं आ पाते जी। सो ये बड़ी एक डिमांडिंग किस्म की जॉब्स होती हैं जिनके अंदर आपको अपनी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर काफ़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं जी। और सिर्फ मेरे नज़दीक ये कहना कि, या अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ, कि आप सिर्फ़ एक बंदा तनख्वाह के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है, तो वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। ये काम सिर्फ और सिर्फ एक हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ ही हो सकता है, ऐसे ही है। और इस हुब्बुल वतनी के जज्बे से हमारी अफवाज मुकम्मल तौर पर सरशार है जी। बहुत ही खूबसूरत बात की उस्मान आपने कि वाकई जो महबूल वतनी है ना, पेट्रोटिज़म, वो हर एक के अंदर, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान है, चाहे वो हमारे अमामुल नास हैं, सब के अंदर इक्वल ही ठाटे मारता है, और यही एक कॉमन चीज़ है जो कि हमें बांध के भी रखती है। तो ये बताएं कि आपने भी यू नो सुना होगा वॉर्स के बारे में और इन सारी चीज़ों के बारे में जो कि ऑन द ग्राउंड होती हैं। सबसे पहले जो आपका ख़ुद का एक जज्बा है, ठीक है, एक तो वो होता है जिसकी वजह से आप ये जंगों में और इन सब चीज़ों के अंदर चल सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो क्या है हमारे अंदर, बीइंग अ मुस्लिम, क्या ये एक चीज़ हमारे अंदर बहुत ज़्यादा है, इनकलकेट है कि हमारे फ़ौजी जो हैं, हमारे फ़ौजी जवान जो हैं, वो इस जज्बे से सरशार हैं, ये क्या एक फ़ोर्स है जो कि उनको आगे लेकर चलती है? देखिए, सबसे पहले तो हमारी जो नज़रियाती असास है पाकिस्तान की, जिसकी बुनियाद पर हमारा मुल्क मार्ज़े वजूद में आया, दो कौमी नज़रिया, कि हम एक सेपरेट नेशन हैं, जो कि हम कायदे आज़म ने यह तसव्वुर पेश किया कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमारा रहन सहन, हमारी तहजीब, हमारी हिस्ट्री, हमारा लिबास, हमारा खाना पीना, हर चीज़ मुख्तलिफ है। तो उस नज़रियाती असास की हिफाजत करना हर वक्त, बल्कि बचपन से हर पाकिस्तानी बच्चा, चाहे वो फौजी है या वो किसी भी शोबे में काम कर रहा है, वो उसके दिलो दिमाग में बिठाया जाता है और ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। ऐसे ही। तो उस नज़रियाती असास जो हमारे मुल्क की है, उसकी हिफाजत के लिए जो आप जिस जज्बे की आप बात कर रही हैं, वो जज्बा ये जज्बा होता है
कि हमें अपनी नज़रियाती एहसास की हिफाजत करनी है, इसी की बुनियाद पे आप अपनी जान की परवाह किए बगैर मैदान जंग में जाके एक कॉज के लिए, एक मकसद के लिए लड़ते हैं कि मुझे उस सरजमीन की हिफाजत करनी है जो हमने इस्लाम के नाम पे हासिल की। साथ ही साथ आप दूसरी चीज़ जो आपको दौराने जंग या किसी भी ऑपरेशन में या किसी भी महाज पर एक आम बंदे के अंदर एक जज्बा पैदा करती है, चाहे वो फौजी हो या सिविलियन हो, कि मुझे अपने हम वतनों की हिफाजत और उनके उनके उनकी सालमियत के लिए मुझे लड़ना है, तो ये वो जज्बा है जो आपको जंग पर, जंग के अंदर हिम्मत और हौसला देता है, जिसकी वजह से आप बिला खौफ व ख़तर दुश्मन के सामने गोलियों की बौछार में भी आप कूद पड़ते हैं, ये इन सारी चीज़ों को कर लेते हैं। तो ये तो एक बड़ा खूबसूरत सा आपने मैसेज दिया, जो अभी बॉर्डर्स पे हैं और जो आपके आप कह सकते हैं कि मुश्किल वक्त से भी गुजर रहे हैं, ठीक है महंगाई ने सब को ही इफेक्ट किया है मेरे ख्याल से, आपके जो बॉर्डर पे नौजवान हैं उनको भी, लेकिन मोटिवेट करने के लिए आप उनको क्या मैसेज देंगे कि आज जो हालात हैं या जो 65 की जंग के हालात थे उनमें है फ़र्क, मतलब इट्स रियली डिफ़िकल्ट फॉर टू गेट थ्रू द फैमिली और ये सारी चीज़ें एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है, तो फौजी जो जवान जो कि अपनी फैमिली से इतना दूर है उस तरह की उनकी आई एम श्योर कि दे आर नॉट हैव द पे पैकेजेस जो कि आपकी बहुत सपोर्ट करते हैं, तो उनका जज्बा बढ़ाने के लिए आप क्या बताएंगे कि क्या उनको आगे ये वो चीज़ मोटिवेट करनी चाहिए? अच्छा, सबसे पहली बात उनको मोटिवेट करने के लिए मैं ये कहूँगा कि ऐसे हालात मुल्क में कोई पहली दफ़ा नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि ये हालात सिर्फ पाकिस्तान में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में महंगाई एक हकीकत है और इस आफ्टर कोरोना, कोरोना के बाद दुनिया में ये जो मालियाती लिहाज से खसारा है वो हर मुल्क को फेस करना पड़ा है, और आप हमारे अफवाज को ये चाहिए कि वो तसल्ली रखें, आपकी हुकूमत, आपके लोग, बिल्कुल अवाम की सपोर्ट के बग़ैर तो आपको पता है कि फ़ौज कुछ नहीं है, तो आप, मुझे ये पूरा यकीन है कि अवाम अपनी अफवाज के शाना बशाना, आज भी खुदा ना खास्ता अगर कोई दुश्मन मैली आँख से देखने की कोशिश करे तो हमारी पूरी कौम, बिल्कुल हमारी अफवाज के शाना बशाना खड़ी होगी, और ये जो मुश्किल औकात जिनका आप जिक्र कर रही हैं इनसे इनके बारे में मोटिवेशन देने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है, जैसे मैंने कहा कि ये हालात आते हैं और फिर वक्त के साथ ठीक हो जाते हैं जी। सो एक छोटा सा टाइम पीरियड होता है जिसको ऑफ कोर्स बर्दाश्त करना पड़ेगा, और क्योंकि हमारा मुल्क ऑफ कोर्स थोड़े से माली मुश्किलात से गुजर रहा है, बट वक्त के साथ ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आपने मैसेज दिया उस्मान, और आप, बल्कि हम आपको कहेंगे कि जो हमारे नेक्स्ट सेगमेंट है आप हमारे साथ रहें और उनके साथ हम लोग कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर लेना एक छोटा सा ब्रेक, कहते हैं ना कि दिलों को गरमाने के लिए ना थोड़ा सा जो है वो सुर संगीत भी करना चाहिए, जो हमारे इतने प्यारे प्यारे मिली नगमे उनका भी करना चाहिए, लेकिन उनको सुनने के लिए और उन तक जाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे तो हम आपके साथ ये सारा म्यूजिक भी शेयर करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो ये आप मेरे इर्द गिर्द देख सकते हैं, अभी तो खैर आप मुझे अली के साथ ही देख सकते हैं, ये अली जो है ना ये रबाब बजाते हैं और क्या ही खूब बजाते हैं, लेकिन इनके साथ हमें अकंपनी कर रहे हैं तीन मेहमान जिनमें अब्दुल्ला, अजान और मान। तो ये तीनों जो हैं ये भी आज ना सुरों की महफिल लगाने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है मिली नगमों में ना एक चाम होता है जो आपकी ना वलवला अंगेजियाँ लेकर आता है। आपको याद होगा जैसे नूरजहाँ, जब जंग के टाइम पे उन्होंने, नूरजहाँ मैडम साहिबा ने जिस तरह से जो सॉन्ग्स उन्होंने गाए थे तो वो एक लैंडमार्क बन गए थे, आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही यादगार बन गए थे, उसी तरह से आज हमने अपने सिंगर्स को बुलाया ताकि वो आपके साथ अपना वलवला अंगेजी और पेट्रोटिज़म के जो सॉन्ग्स होते हैं ना वो शेयर कर सकें। तो सबसे पहले मैं वेलकम करती हूँ सबको, आप सबको वेलकम है टू द शो। तो अजान और मान ये हमारे मेन सिंगर्स हैं, तो आप ये बताइए कि आज कौन सा आप हमें सॉन्ग सुनाने वाले? एज ऑलवेज स्टार्ट हम कलाम से करेंगे जी, और उसके बाद फिर सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है, ठीक है, सो आई थिंक वी आर रेडी, वी आर रेडी, वी आर रेडी। Mm-hmm.
जानम फिदाए हैदरी या अली 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 जानम फिदाए हैदरी या अली 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 जानम फिदाए हैदरी या अली 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 है मुहम्मद मेरा दिल तो सीना अली मेरे जीने का वाहिद करीना अली दीन इस्लाम का है नगीना अली हक की मंजिल का पहला है जीना अली दस्त में अब्र का पहला कतरा अली कभी दर कांप जाता है अली का नाम सुनकर अभी खैबर कांप जाता खैबर कांप जा बहुत ही कहते हैं दिल को छू देने वाली आपने जो एक किया क्योंकि हज़रत अली जो कि हमारे जंगों के और माने हुए एक वो मैं कहती हूँ कि हमारे सिपा सालारों में से हैं जो कि हमारे दिलों को तो वैसे ही करते हैं लेकिन हमारे फ़ौज को और हमारे जवानों को भी ये सारी वो जो चीज़ें जब याद आती हैं हिस्ट्री की तो किस तरह से दिल आपके कहते हैं ना कि उनका वो जो जज्बा है वो किस तरह से पड़ता है ये हम ही जानते हैं उनको ही जानते हैं शेर खुदा वैसे नहीं कहा जाता ऐसे ही है शेर खुदा और जो उनकी तलवार थी ठीक है वो किस तरह वो से एक बड़ा प्यारा शेर है कि मरहब दो नीम है सरे खैबर पड़ा हुआ जी उठेगा अब नहीं ये मारा अली का है बेशक बेशक बहुत ही प्यारी बात की आपने मान और गाया भी बहुत दिल से जो कि हमें बहुत पसंद आया अब हम यहाँ पे शेयर करते हैं आपके साथ एक छोटा सा फिलर जिसके पहले हम आपसे थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दें कि ये क्या में पाकिस्तान से लेकर अब तक न्याजी कबीले की शख्सियात का जो दिफा है वो वतन और इस्तकाम वतन में बहुत किरदार अदा कर रहा है उनमें से क्या में पाकिस्तान में जो हमारे मुजाहिद मिलत मौलाना अब्दुल सतार खान न्याजी उन्होंने अपनी कबीले की नुमाइंदगी की है जो कि क्या में पाकिस्तान में बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है तो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह की चीज़ें उन्होंने आपके साथ शेयर की हैं ये आप प्लीज़ फिलर के ज़रिए मैं अपने डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि दिखा दें '65 में फ्रॉम एविएशन साइट आई हैड टेकन पार्ट इन सियालकोट सेक्टर सियालकोट सेक्टर में जो भी हमने एक्शन लिए हमारे सीनियर ने उनको अप्रिशिएट किया और कदर की निगाह से देखा और इसी बिना पर मुझे सतारा जुरत
भी दिया गया और वही जज्बा कल आज भी अगर मुझ कौम ने और मुल्क के लिए जाना पड़ा तो हम उसी जज्बे से लड़ाई में शामिल होंगे जिस जज्बे से 65 में लड़ाई जी। वेलकम बैक। तो हम अभी जो हमारे साथ बैठे हैं अली, हम अली जो हमारा, मैं आज के स्पेशल कहना चाहूँगी कि ये चारों सूबों से जो हमारे मुख्तलिफ लोग आके बैठे हैं, ठीक है, हमने आपको यूनिटी दिखाने के लिए बताया। ऑब्वियसली इंस्ट्रूमेंट एक ज़बान है बताने की, लेकिन उससे भी ज़्यादा कि किस तरह से रुबाब, हमारी आवाज़, हमारा गिटार, हमारे नौजवान, ये इमर्जिंग टैलेंट जो है ये आके बैठा है। तो हमारे साथ बैठे हैं हमारे अली खान, ठीक है। तो अली, आप हमें आज क्या सुनाने वाले हैं, काइंडली प्लीज़ सुनाइए। आई एम अ बिग फैन ऑफ ऑल ऑफ यू। मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने इन सबकी आवाज़ें सुनी हैं, मान की भी, अजान की भी, और अब्दुल्ला की भी, और साथ अली की भी, और इनको मैंने खुद पिक एंड चूज किया उन इवेंट्स में से जहाँ मैंने इनका टैलेंट देखा है। तो ये वो टैलेंट है जो कि फेयर 100% आप लोगों के, आप कह सकते हैं कि क्राइटेरिया पे आया। तो जी अली, सुना दें आज। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया, रोज़ न्यूज़ का जिन्होंने इनवाइट किया जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो यू वेलकम, सबको सलाम, और बाकी मेरे दोस्तों को भी, ये अभी ज्वाइन करेंगे मेरे साथ, हम इंस्ट्रूमेंटल करेंगे, क्यों नहीं, पश्तो उर्दू मिक्स। पश्तो उर्दू मिक्स बहुत ही खूबसूरत चीज लगता है होने वाली है जी।
समा आप लोगों ने बांधा है, मैं आपको बता नहीं सकती द काइंड ऑफ म्यूजिक दैट वॉज क्रिएटेड ओवर हेयर. आई डोंट नो, म्यूजिक की वाइब्रेशंस होती हैं, आई एम श्योर कि आप लोगों ने ब्रॉडकास्ट के जरिए भी सुनी होगी, लेकिन जो इन लोगों ने टैलेंट दिखाया है, द वे देयर फिंगर आर्स, द वे देयर फिंगर्स आर वर्किंग, द वे दे आर पोर्ट्रेइंग द म्यूजिक एंड द वे दे आर पोर्ट्रेइंग द लव इन द म्यूजिक, ये ना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं. और मुझे लगता है कि लव इन द म्यूजिक हर कोई नहीं पोर्ट्रे कर सकता, लेकिन अली ने, मान ने, अजान ने और अब्दुल्ला ने वो समा बांधा कि हमें मज़ा आ गया. तो ये तो हमने टैलेंट देखा दोनों का मिलके. अब ये तीसरा जो ये कुछ छुपा टैलेंट है अजान का और अब्दुल्ला का, तो ये उसके ऊपर हम दिखाएंगे अब्दुल्ला का टैलेंट. अब्दुल्ला अपनी सॉरी अजान अपना थोड़ा सा टैलेंट बताइए. पहले तो अपने बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोग एक दो लाइनें बताएं ना, किधर से हैं, क्या करते हैं. अब्दुल्ला बताएं. माइक थोड़ा सा. एक्चुअली मैं स्टूडेंट हूँ, मीडिया स्टूडेंट हूँ, नमल यूनिवर्सिटी से मीडिया स्टूडेंट हूँ जी. और म्यूज़िक जो है वो एक शौक है मेरा, म्यूज़िक शौक है मेरा. और हूँ मीडिया स्टूडेंट वैसे मैं, और बस अपने शौक पूरा करने के लिए म्यूज़िक करते हैं, इवेंट्स करते हैं और डिफरेंट टीवी शोज में और रेडियोज में परफॉर्म करते हैं बस ये. बहुत जबरदस्त, वेरी नाइस. अजान आप क्या करते हो, जल्दी जल्दी हमने म्यूजिक सुनना है, हमने बातें भी ज्यादा सुनना है. मैं आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं प्रैक्टिस, यस अच्छा, and I'm doing my practice from here in firm from Islamabad. Mashallah. And my father is a politician and he's also a Pashto Ghazal singer. And who is that? Why he's not on the show? What is his name? Fayaz Khan Khishgi, his name, and he's also a Pride of Performance Tamgha Imtiaz in 2021. Mashallah. He got. From this show, I give a shout out to uncle, theek hai, your father. Thank you so much. That he's a Pride of Pakistan. Next time, aap aa rahe hain, theek hai? Hum jaise azan ko lekar aaye, waise hi aapko bhi lekar aaye. Inshallah. Haan ji. To music, it runs in the family. Yeah, genetics. मैंने सीखा नहीं है, बाबा ने आज तक कोई क्लास नहीं ली, बट इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे घर पे. हाँ. तो उसी पे प्रैक्टिस और उसी पे मैंने उसी के साथ ग्रूमिंग हुई. हाँ. तो बाकी मटके में मुंह डाल के सिंगिंग नहीं की? नो ये आप तो मेरे शो पे आने के एलिजिबल ही नहीं थे, सॉरी आप हम कट करते, ये प्रॉपर सिंगर नहीं है जी. लेकिन आई वाज अ बाथरूम सिंगर, ओके जीरो, बट स्टिल द क्वालिटी ऑफ द म्यूजिक दे हैव प्रोवाइडेड इज लाइक, इट इज अनइमेजिनेबल विदाउट द प्रैक्टिस हाउ आवर टैलेंट कैन इमर्ज लाइक दैट. दिस इज रियली रिकॉग्नाइजेबल जी. अमान, अमान नहीं, मान, मान, एम डबल, मैंने आपको अमान दे दी थी जान की और सब की, आपने वो नहीं ली. अच्छा चले, मान 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 रखना भी बहुत मुश्किल काम. हाँ, होता है. अच्छा, बात बहुत अच्छी. नाम तो आपको पता चल गया, मान नाम है मेरा. आई वाज 4 years old जब मैंने क्लासिकल म्यूजिक सीखना शुरू किया था अपने ग्रैंडफादर से. माशाल्लाह. तो फैल हैदरी गुजरांवाला के बड़े फेमस कवाल थे. अच्छा. मैं उनका पोता हूँ. माशाल्लाह, आप लोगों की तो फैमिली में ही बहुत ज्यादा टैलेंट है. बिल्कुल. और फ्रॉम लास्ट 9 years बाई प्रोफेशन आई एम अ म्यूजिक टीचर एंड म्यूजिक प्रोड्यूसर एज वेल. हाँ जी. अभी ऑडियो प्रोडक्शन में कर रहा हूँ अपनी, और उसके अलावा म्यूजिक कंपोज भी करता हूँ, डायरेक्ट भी करता हूँ, प्रोड्यूस भी करता हूँ. क्या बात है, क्या बात है. इतना सारा टैलेंट जो आपने छुपा के रखा हुआ है, इसके ऊपर हम एक अलग से शो करेंगे. जी, जी. अली जल्दी से बताएं आप क्या करते हैं. मैंने बी एस इंग्लिश किया है नमल यूनिवर्सिटी से. अच्छा. अभी मैं इस वक्त फॉरनर्स को पश्तो लैंग्वेज टीच करता हूँ. ठीक है. उसके अलावा म्यूज़िक के साथ शौक मेरा बचपन से था, सीखा खुद से है थोड़ा बहुत उस्तादों के साथ, लेकिन 5 साल से मैं म्यूज़िक कर रहा हूँ. अच्छा. और मेरे म्यूज़िक का एक अलग ही मकसद है, ये रबाब जो मैंने उठाया है ये पख्तूनों को लोग ज़्यादातर बंदूकों के साथ शो करते हैं. हाँ. तो मैं वो चीज़ चेंज करना चाहता हूँ. पख्तून अमन पसंद है फूलों के साथ शो जी, करेंगे. वो मैं म्यूजिक और खूबसूरत बात के साथ. खूबसूरत बात, कितनी प्यारी बात की है इन्होंने ना कि वो बात कर दी है जो कि हमारे बड़े बड़े ऑथर्स जो हैं वो भी ये बात नहीं कह पाते, लेकिन आपने वो बात कह दी जो कि कहते हैं ना कि बस बात को ना दरिया को कूजे में बंद कर दिया. मैं एक बात सॉरी मेंशन करना चाहूँगा. देखें, एक नॉर्मल जो ह्यूमन बींग और आर्टिस्ट, इन दोनों में छोटा सा डिफरेंस होता है कि नॉर्मली जो पर्सन है उसको सूरज की किरणें बहुत शिद्दत से महसूस होती हैं जी, लेकिन आर्टिस्ट जो है ना उसकी सेंसिटिविटी का ये आलम होता है कि उसको चांद की किरणें भी बहुत शिद्दत से महसूस होती हैं. ऐसा ही है. ठीक है. और जो काम ये कर रहे हैं या जो काम हम कर रहे हैं, म्यूज़िक कोई बहुत ईजी चीज़ नहीं है. ऐसा ही है. म्यूज़िक जो है ना बेसिकली म्यूज़िक एक लैंग्वेज है जी. अब एक आर्टिस्ट जो है
या दिल वाला जो है उसे सिर्फ दो किस्म की लैंग्वेजेस हैं, उनमें से एक लैंग्वेज समझ आती है। अच्छा, पहली लैंग्वेज है म्यूज़िक, दूसरी लैंग्वेज है लहजे की। ओह ठीक है, अब हम आर्टिस्ट हैं, हम लहजों की ज़ुबान और म्यूज़िक की ज़ुबान बहुत अच्छे से समझते हैं। ऐसे ही है, और उसको कोशिश करते हैं कि हम महसूस करें अच्छे तरीके से, महसूस कर सके, जज्ब कर सके और दूसरे को और दे सके। जो हमारी मेंटालिटी होती है, हम सोचते हैं कि दूसरों की भी इस तरह से बन जाए। हाँ, या तो हमारी टोटली चेंज हो जाए, कोई एक चीज़ हो जाए इन दोनों में से। हाँ, so, बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात मान आपने की, ठीक है, बाकी मान रखा आपने म्यूज़िक का भी और बात का भी। अब हम जल्दी से, क्योंकि आप लोगों की आवाज़ें इतनी अच्छी हैं ना, बार बार मुझे डिमांड आ रही है कि इनसे वो करें, हम थोड़ा सा पूछेंगे 6 सितंबर के हवाले से, लेकिन क्योंकि हमने चारों सूबों की, ये चारों सूबों से बिलोंग करते हैं यहाँ पे मुख्तलिफ लोग, और मैं कश्मीर से बिलोंग करती हूँ, तो इसलिए हमने ये यूनिटी दिखाई है 6 सितंबर पर कि हम सब एक हैं, म्यूज़िक की ज़बान भी एक है और उसके ज़रिए हम आप तक मैसेज भी देंगे। तो जी आया अजान, आपने आज क्या सुनाना है? अहमद जानजेब को मैं शुरू से सुनता था तो, और मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ उनसे। हाँ, तो उनका एक गाना है कहो एक दिन, बचपन से सुनता आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बचपन आपका भी कल ही तो था तो, लेकिन अहमद जानजेब का लगता है पुराना हो गया, लेकिन हम इनके अजान के साथ सुनेंगे और ये डेडिकेट करते हैं वफाज पाकिस्तान को, जो आज का स्पेशल दिन है उसके हवाले से कि हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, और हम जो ये कहते हैं ना, जो ये जंगे हैं और ये सब, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। जी अजान, तुम्हारे हैं कहो एक दिन, तुम्हारे हैं कहो एक दिन, कहो एक दिन।
बात है, क्या हम रबाब के साथ दिल दिल पाकिस्तान गा सकते हैं? इनके साथ स्केल डिफरेंट हो जाता है। कोई बात नहीं, हल्का सा हम दिल दिल पाकिस्तान गा लें, ऐसी जमीन और आसमान विदाउट म्यूजिक शोहदा के लिए। शोहदा के लिए मैं कुछ गाता हूं। जी जी प्लीज। हमने सोचा हुआ था शुरू से उनके लिए डेडिकेटेड। चले जो होंगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा, अली तुम्हारी शुजात झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा, तुम्हें वतन की फजाएं सलाम कहती हैं, शहीदो वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं, ए राहे हक के खूबसूरत आपने एंड किया है। अली मैं चाहूंगी कि आप रुबाब पे भी कुछ सुने और उसके बाद हम खुदा हाफिज कहें अपने शहीदों को, नौजवानों को और आज के लोगों को, ताकि 6 सितंबर अच्छे तरीके से मना सकें। जी अली। बजा के रखें, लेकिन 6 सितंबर आपको मुबारक, अफवाज पाकिस्तान को मुबारक, हम सबको मुबारक, और याद रखिए कि मुल्क और कौमें शहदा से बनती हैं, उनको इज्जत देने से बनती हैं, और पाकिस्तान के साथ सालमियत उसकी बरकरार रखने में आप लोगों का किरदार भी बहुत अहम है। तो हमारी टीम को, मेरे साथ जितने भी खूबसूरत सिंगर जिन्होंने इतना आज महफिल बनाई, इन सबका शुक्रिया, मेरे मेहमानों का शुक्रिया। हम आपसे इजाज़त लेते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।